लम्हे तो वो होते हैं बेटा जब इंसान तन्हाइयों में होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान गुमनाम होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान अकेला होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब अधूरा होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब दुनिया उसे उन जगहों पे तर्क करके आती है कि आप सोच नहीं सकते कि इंसान की रूह की चीखें निकल जाए वहां पर कि मैं वाकई निकलना चाहता हूं इससे। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान उन तेज हवाओं में दिए जलाता है, उन चट्टानों से मुकाबला करता है, वो ख्वाब देखता है जो सोच नहीं सकता कोई, वो सल्तनत बनाने की सोचता है जो किसी का माइंड परसीव नहीं कर सकता, किसी का जहन इहादा नहीं कर सकता उस चीज की। लम्हे तो वो होते हैं जब साया भी साथ छोड़ देता है, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान को अंदर बाहर से आवाज आ रही होती है कि तू छोड़ दे इस चीज को, तू नहीं बना इस काम के लिए। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान तारीख के दरियाओं का रुख मोड़ने जाता है आगे से। लम्हे तो वो होते हैं जब कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है और बंदा होता है और इंसान का तफक्कुर होता है और ये सिर्फ एक कुरान होता है और एक हदीस होती है जिससे इंसान बात कर सकता है। लम्हे तो वो होते हैं कि ऐसा गुस्सा होता है कि इंसान जल जाए फट जाए उस टाइम पर, मगर वो अपने आप में ऐसा सुकूत इख्तियार करता है कि आप सोच जमाने भी रश करते हैं उसके ऊपर। लम्हे तो वो होते हैं कि इंसान अपना हाथ उठा सकता है मगर तमसुक करता है उस चीज को कि नहीं मैं अपना आप जाहिर नहीं कर सकता। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कंटेन करता है अपने अंदर की उस आग को, उस भरम को, उस हसद को, उस हकत को, उस गुस्से को कि मैं अभी नहीं निकाल सकता। लम्हे तो वो होते हैं जब जमाने होते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद होती है। लम्हे तो वो होते हैं जब लोग तेरे सामने तुझे भूल जाएंगे, तुझे फिर भी चलना है आगे। वो लम्हात होते हैं इंसान के, लेकिन लम्हात तो वो होते हैं जब तन्हाइयों में इंसान खड़ा करता है अपने आप को, जब उन अकेली रातों के अंदर जब उसके सीने का कलेजा उस वक्त फट रहा होता है बैठ के और कोई सुनने के लिए आवाज नहीं होती उसके इर्द गिर्द और कोई जानने के लिए होता नहीं है कि वो अपनी इज्जत कितनी करता है और लोग और दुनिया खड़े होंगे तेरी इज्जत खराब करने के लिए और दुनिया खड़ी होगी तनकीद का बाजार करने के लिए और तमाशबीन होंगे दुनिया के अंदर देखने के लिए कि कब तू गिरेगा, कब तेरी एक मिसाल बनाए और कब हर ख्वाब देखने वाले का वही गला घोंटते। ये लम्हात होते हैं इंसान की जिंदगी के अंदर, मगर ये सब खड़ा करने के लिए कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, दिल चाहिए, वो कल्ब चाहिए जो ले सके ये सारी हिट्स आगे से। तो अगर अभी से इस दौर से शुरुआत नहीं करनी, अभी से अपने आप को वसी नहीं करना, अभी से सोचना नहीं है, तैयार नहीं कर रहा उन जंगों के लिए जो आगे आनी है, बेटा कैसे सरवाइव करोगे? मुसलमान जिसको एक बीमारी कभी नहीं हो सकती थी, सबसे ज्यादा गोली बिक्री है जैनेक्स की पाकिस्तान में, डिप्रेशन। मोमिन को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? अल्लाह वाले को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? तुमने तो पहाड़ जमीन एक कर दिए, माजी का रेफरेंस है तुम्हारा, तुम कैसे घबरा गए आगे से? तुम्हें क्यों मायूसी होगी? डाउट कहां से आ गया? जबकि पहला जुमला अल्लाह कुरान में कहता है इंसान और बंदे का ताल्लुक कायम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी से होता है, हम कैसे शक में आ गए? अगरचे वो बहुत आगे निकल गया है, अगरचे मद्दे मुकाबिल बहुत आगे निकल गया है, तो जिंदगी इन्हीं चीजों का नाम है बेटा। लोग तुझसे आगे चले जाएंगे, लोग तुझे पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि तेरे पास वसाइल नहीं होंगे, तेरे पास असबाब नहीं होंगे, तेरे पास वो शोहरत नहीं होगी, वो तलक्की बिल कबूल नहीं होगी, लोग तुझे अब मानते नहीं होंगे, तेरा सिक्का बिकता नहीं होगा, तू लोगों की धड़कन नहीं होगा, तू किसी का एहसास नहीं होगा और किसी की फिक्र नहीं होगा। इन लम्हात में और इन वादियों में लीडर पैदा होता है, इन लम्हात में और इन घाटियों के अंदर एक इमाम और क़यादत जन्म लेती है और इन्हीं औकात के अंदर एक रूह अपनी एक्सीलेंस को अटैच करने के लिए एक अहद उठाती है, एक अज़म बनाती है, एक कसद बनाता है, इरादा करता है और उस इरादे को एक अमल की शक्ल इख्तियार करता है और अपनी जिंदगी के सारे रेफरेंसेस को माइनस करके एक नई तारीफ देता है अपने आप को। लेकिन अगर एक इंसान समझता है, एक गलत फहमी का शिकार है कि नहीं, जिंदगी को मैं जैसे चाहूं, जिस गलत तरीके से चाहूं, अपनी वैल्यूज को, अपने उसूल को, अपने जवाबित को, अपने कवायद को, अपने उसूलों को, इनको मैं बलि चढ़ा के, इनकी चीटिंगे करके, किसी का हक मार के, किसी को नीचे लगा के, जिग जैगिंग करके अगर मैं निकल जाऊंगा तो तुक्के महज इत्तफाक, फ्लूक्स और कोइंसिडेंसेस और इस तरह के दो नंबर रस्ते, बेटा कुछ अरसा तो चल सकते हैं, दुनिया के उस स्टेज के ऊपर जब मुकाबला होगा ना किसी सही वाले पट्टे के साथ, आप नहीं लड़ सकेंगे, आप नहीं उससे जीत सकेंगे। इसलिए ये वक्त होता है, ये लम्हात होते हैं, ये लहजात होते हैं, इंसान अपने आप को तैयार करता है। लेकिन एंड में मैं फिर भी यही कहूंगा, स्किल मैनेजमेंट, हुनर के ऊपर इंसान जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इंसान सोने को कुंदन, कतरे को समंदर, जर्रे को एक चट्टान और एक छोटी सी आतिश को एक आतिश फिशा तब बनाता है जब उसके अंदर वो कलेजा, वो जिगर हो परसिस्टेंट रहने का।
पेशेंट रहने का, साबिर रहने का, कंसिस्टेंट रहने का, कांस्टेंट रहने का, मुस्तकिल मिजाज रहने का, इस्तकलाल रहने का, कि आई विल कीप फॉलिंग डाउन एंड आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, आई कीप फॉलिंग डाउन एंड कीप फॉलिंग, आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड. ही स्ट्राइक्स हिज वे इन दोज स्टॉर्म्स दैट आर मेंट टू नेल हिम डाउन. तो ये सब्र के बगैर ये सफर नहीं हो सकता. ये सब्र के बगैर, ये तहम्मुल के बगैर, इन इत्मीनान और इनके बगैर वो सुकून नहीं मिल सकता, वरना स्ट्रेस मार देगा, एंग्जाइटी मार देगी, जेलसी मार देगी, तकब्बुर मार देगा, हसद मार देगा, हत हिकद मार देगा, ये सारी चीजें गिरा देंगी. वो जो तेरे उस दर्द को और तेरी सिसकियों को और तेरी उन तकलीफों को नहीं समझ सकेंगे. बेटा इसको सुकूत लाना अपने अंदर, मुंह को खामोशी दो और कलेजे को आवाज दो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अमल के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तफक्कुर के साथ, तफक्कुर फिर शरा के साथ, अल्लाह के दीन में तफक्कुर, तफक्कुर फिर नास लोगों के अंदर आप तफक्कुर करें, तफक्कुर फिर कौन अल्लाह की कायनात में तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, तज़क्कुर करें, नसीहतों के बाप गरम करें अपनी जिंदगियों में. मन लैसा लहु उस्तादुन फस्तादुहु अश्शैतान, द वन हु डजंट हैव अ टीचर, इमाम शाफी सेज हिज टीचर विल ऑलवेज बी डेविल. जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद शैतान होता है. अपने मेंटर्स के साथ चिपक के रहना, क्योंकि 10 साल का सफर वो तुम्हें 10 मिनट में दे सकता है, वो अपनी पूरी 20 साल की जिंदगी का निचोड़ दे सकता है. तो एक कामयाब तरीन शख्स, अगर चाहे जंगे होनी है, मुकाबले होने हैं, लोग तुझे गुजरने नहीं देंगे बेटा, कुछ भी कर ले, जितनी मीठी जिंदगी को, हाँ फिर ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइंड लाइफ गुजारनी है. माँ ये चाहती थी, बाप ये चाहता था, लोग ये चाहते थे, ये चाहते, हाँ ठीक है फिर फाइन, उसमें भी आएंगी. लेकिन असल जिंदगी का मजा वो है जब इंसान वो खींचे जो लोग सोच नहीं सकते थे, वो जो लोग चाहते नहीं थे, वो जो लोगों ने उम्मीद नहीं रखी हुई थी तुझसे, लेकिन तेरा दिल वहां पर कहता था आई एम मेंट फॉर दिस, मैं ये बनाऊंगा इसके. तो अपनी नफ्सियात से आजाद होने का प्रोसेस कब शुरू करना है, कब अपने ऊपर गौर फिक्र करना है, कब नफ्स हमारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाना है. और ये सारी स्ट्रगल के बीच में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए. वमा यत्तकिल्ला यजअल्लाहु मखरजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है इसमें दरवाजे बंद होने हैं, ये जिंदगी है इसमें तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रस्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, हासिदीन सियासते गरम कर देंगे तेरे खिलाफ. चाहे तू अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, या मेकाट्रॉनिक्स का हो, या न्यूक्लियर का हो, या किसी भी फील्ड का हो, ये बात समझी कि इंसान इंसान नहीं होता, इंसान इंसान का गोश्त खाता है बेटा, क्योंकि नफ्स की कमजोरी की वजह से वो आएगा. तो इस सफर के अंदर ये सब होना है. हसद के दरवाजे होंगे, तनकीद के बाजार होंगे. तेरी कमजोरियों को तेरी ताकत नहीं बनाई जाएगी, तेरी कमजोरियों को ब्रांड कर दिया जाएगा. लोग होंगे जो तेरे अंदर की कमजोरियों को देख रहे होंगे कि कहां इसको पकड़े, इसको मारने का तरीका मिले हमें, इसको कैसे निकलेगा इन रस्तों में से. अगर तेरा कलेजा गर्म नहीं है, हौसला नहीं है, सबर नहीं है, वुसत नहीं है, जिगर नहीं है, इल्म नहीं है, और अल्लाह के बगैर कैसे चलेंगे आप इसके साथ. उनके याद रखना बच्चों, जब जमीन के चार दरवाजे बंद होते हैं ना, तो छत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता. ममैयत तकिल्ला यजअल्लाहु मखरजा, इंसान जितना भी सारे दरवाजे बंद कर दे, मगर गॉड कॉन्शियसनेस, ताल्लुक बिल्ला, तस्किया एंड परफॉर्मेंसेस एंड इबादत एंड कनेक्टिविटी विद हायर बीइंग, ये आपको कभी भी दुनिया में रिसवा नहीं करेगी. आग आज भी गर्म हो सकती है बच्चों, मूसा चाहिए इस कौम को, और कूनी बर्दों व सलामा के तहत आग ठंडी भी हो सकती है, और खालिद बिन वलीद की तरह जहर अपनी तासीर भी छोड़ सकता है. गर हो मुसलमान का ईमान पैदा, इफ यू नीड दैट फेथ यू नो इन गॉड, वो नहीं है आज यहाँ पर. और एक टाइम पर आप कुछ भी कर ले, आप उन छुरों को रोक नहीं सकते. तो कभी घबराना नहीं इस चीज से जिंदगी के अंदर, लेकिन एक खास इंसान की जिंदगी जीने के लिए, एक खास ख्वाब देखने के लिए, एक खास उमंग बनाने के लिए, एक खास मार्क अचीव करने के लिए, आपको अल्लाह भी चाहिए, लोग भी चाहिए, अपना आप भी चाहिए, प्रॉपर चाहिए, एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस पे चाहिए. और उसके बाद आपको ये कायनात चाहिए जीने के लिए, हम बाहर नहीं जा सकते. इन चारों को अगर आप मास्टर करेंगे, इंशाल्लाह आपका दर्द जो है ना, वो कौम का दर्द बन जाएगा. आपकी धड़कन कौम की धड़कन बन जाएगी, आपकी आवाज कौम की आवाज बन जाएगी, और आपका ख्वाब कौम का ख्वाब बन जाएगा एक दिन. और इसे अंग्रेजी में लेगेसी कहते हैं, एंड दैट्स वेयर लेजेंड्स आर बॉर्न.